नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। धर्म प्रचारक संस्था एक बार फिर विवादों में है और एक बार फिर संस्था के उत्तराधिकारी पंकज बाबा समेत 11 लोगों पर धोखाधड़ी कर धन हड़पने का आरोप लगा है और इस संबंध में थाना हाईवे पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और वहीं संस्था के सदस्य विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए शैलेंद्र पर उल्टा आरोप लगाए और शैलेंद्र के खिलाफ पूर्व में मुकदमा कायम है और वह उसे बचने और दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया है। विजय प्रकाश ने कहा कि शैलेंद्र अपराधिक किस्म का व्यक्ति है और ईर्ष्या और जलनवश संस्था और उनके पदाधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई करता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शैलेंद्र ने FIR की है उस मामले में जिससे हमने जमीन खरीदी है। उसने पहले ही शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है जिसकी जांच चल रही, इसी बचाव में यह कार्रवाई उसने की है। उधर हाईवे इंस्पेक्टर नितिन कसाना ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा लिखा गया है जिसकी जांच की जा रही। नितिन कसाना ने यह बताया कि शैलेंद्र के ऊपर पूर्व में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। दोनों मुकदमे की जाँच की बात जो सही पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मुकदमा जिसने किया है वो ऐसे ही अपराधी किस्म का आदमी है और ट्रस्ट के ऊपर और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ऊपर ईर्ष्या और जलन बस और कुछ ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुकदमे करता रहता है और इसके ऊपर खुद इसी धारा में 156(3) में मुकदमा दर्ज है और उसके FIR जिससे हम लोगों ने ज़मीन खरीदा उसने किया हुआ है उसकी जाँच चल रही थी। उसने अपने बचाव में कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ऊपर भी मुकदमे कर दिए ताकि हमारे बचत हो जाए और ये लोग दबाव में आएंगे तो हमसे बचत करेंगे, सब समझौता करेंगे ये, जबकि वो मुकदमा ऐसे ही